नमस्कार, मैं गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वरिष्ठ अध्यापक एस सत्यन आज आपके समक्ष परीक्षा के बारे में कुछ अहम बातें बताना चाहता हूं। जब जब हम आंसर शीट इवैल्यूएट करते हैं तब मुझे लग रहा है कि बच्चे कहीं ना कहीं कुछ एरियाज़ को जो है इग्नोर करके चले जाते हैं। शायद आज के सेशन उस सवालों का समाधान हो सकता है। जैसे ही हम परीक्षा कहते हैं तो तीन बातें अहम हैं जो बच्चों को प्राथमिकता भी होना चाहिए, जैसे कि पहला है प्रिपरेशन, दूसरा है टाइम मैनेजमेंट और तीसरा है प्रेजेंटेशन। बच्चे कहते हैं भाई एग्ज़ाम के बाद मैंने दो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं या तीन क्वेश्चन मुझसे छूट गए, मैं छूट चुका हूँ, तो इस वजह क्या है? मैंने अगर गौर करेंगे तो आप टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात। मैं बाकी विषय से तुलनात्मक में मैं लैंग्वेज को लेना चाहूँगा। शायद आपको मालूम होगा कि लैंग्वेज ऐसा पेपर है जिसमें ज़्यादा समय लेता है, वो तेलुगु हो या तमिल हो या आपका बंगाली हो या इंग्लिश हो। आप ले लीजिए, जब भी आप लैंग्वेज के बारी बात आता है, जब देखिए पहला शुरुआती सेक्शन अनसीन पैसेज होता है जिसमें आपको समय देना पड़ेगा। तो नॉर्मल समय क्या होता है आपको पता है, सीबीएसई ने रीडिंग टाइम दिया हुआ है 10:15 से लेकर 10:30 तक जो है आपको रीडिंग टाइम है। क्या ये काफ़ी है उन बच्चों के लिए जो जिनके अनसीन पैसेज तीन तीन है, या जैसे कि अभी के 12th के बच्चों को अनसीन पैसेज दो है, क्या ये काफ़ी है? इस समय पर हो सकता है नहीं है। तो आखिर करना क्या है? प्लीज़ अपने सिलेबस को, अपने मार्किंग पैटर्न को आप समय से बांटना होगा, तब जाके आप 80 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन हैं आप अटेंड कर सकते हैं। जैसे कि आप मुझसे पूछोगे, आप से फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश ले लेते हैं 12th का, अगर आप लेंगे तो देखिए तीन सेक्शन है। पहला सेक्शन अनसीन पैसेज, दूसरा सेक्शन है आपका राइटिंग और तीसरा सेक्शन है टेक्स्ट। और मार्क्स भी देखिए, अनसीन पैसेज के लिए 20 मार्क्स और आपका राइटिंग सेक्शन के लिए 20 मार्क्स और 40 मार्क्स जो है आपका जो है टेक्स्ट के लिए जा रहा है, जिसमें आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, क्वेश्चंस, ये सभी चीज़ों को लिखना है। तो आखिरकार हमें करना क्या है? हमें उस एरियाज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, समय देना चाहिए जिसमें हमें मार्क्स स्कोरिंग ज़्यादा हो। अगर मुझसे कहेंगे तो मैं कहूँगा अनसीन पैसेज को अगर लास्ट में लिखे तो बहुत अच्छा होगा, अब समय बचाओगे तो लिखने में, और क्योंकि अनसीन पैसेज में हर एक में 10-10 सवाल है, क्वेश्चन है, उसका जवाब एमसीक्यू आपको लिखना पड़ेगा, सटीक लिखना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कि प्लीज़ आप शुरू करें, मेरा ओपिनियन है सेक्शन बी आप शुरू कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन सिर्फ चार क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का है। अब जैसे कि नोटिस राइटिंग है, इनविटेशंस है, लेटर राइटिंग में लेटर टू एडिटर है, जॉब एप्लीकेशन, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये सभी जो है आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे और इसमें मार्क्स स्कोरिंग एरिया भी है, 20 मार्क्स सॉलिड मिल जाएगा। तो समय कितना है? हाफ एन आवर दीजिएगा। और जहाँ तक तीसरा सेक्शन यानी कि आपको बड़ा सेक्शन 40 मार्क्स है, उसको आप कोशिश कीजिएगा कि एक घंटे करीब करीब 20 मिनट्स यानी कि 1 hour 20 minutes में उसको कंप्लीट करने का। तो बचा कितना है? हाफ एन आवर हम देंगे अनसीन पैसेज के लिए, जो 15-15 minutes दोनों पैसेज के लिए हम बांट सकते हैं। तो इस प्रकार समय को बचाने के लिए और ये ब्लेम से हटने के लिए कि हम दो क्वेश्चन छोड़ दिए, उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। तब अब मैं आना चाहूँगा तीसरा सेक्शन, वो है मेरा तीसरा जो बिंदु है जिसको आपको प्राथमिकता देना चाहिए, वो है प्रेजेंटेशन। रियली एक एग्जामिनर चाहता है कि हर एक बच्चा अच्छा प्रेजेंटेशन हो और अच्छा प्रेजेंटेशन से जो है आपका अच्छा मार्क्स होता है। कभी कभार हम देखते हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़ के आ जाते हैं, तो चूक कहाँ होता है? कभी कभार लिखने में उनका चूक हो जाता है। से फॉर एग्जाम्पल आप अक्सर देखेंगे, अमूमन हम देखते हैं कि बच्चे स्कूल में जब एग्ज़ाम लिखते हैं 10th के बच्चे, ये लंबे आपका जो इसको बोलते हैं वर्टिकल टाइप के आंसर शीट में लिखते हैं जिसमें करीब करीब 32 लाइंस है। तो मुनासिब है एक लेटर राइटिंग जब आप शुरू करते हो यहाँ से लेकर आप एंड तक एक फ्रेम के अंदर आपको जो है जॉब एप्लीकेशन आ सकता है, आपका लेटर टू एडिटर आ सकता है या 10th का भी जो भी लेटर्स हैं आ सकता है। मगर मान के चलिए जो बच्चे 10th से अभी जो नए बच्चे बैठे हैं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाली आंसर शीट है आप देखिए इसमें सिर्फ 19 लाइंस हैं। इस 19 लाइन में मैं कहूँगा आप जब शुरू करोगे इसमें आप बताओ 19 लाइन में कितना लिख पाओगे? फ्रॉम एड्रेस लिख लिया, टू एड्रेस लिख लिया, यहाँ पे डेट लिखा, सब्जेक्ट लिखा, जब कंटेंट आते आते आप यहाँ आ जाओगे, बॉडी में दो कंटेंट होता है, पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2, उसके बाद मान के चलो आपको बायोडेटा लिखना है तो आप चले जाते हैं तीसरी पेज।
तो जिस आंसर को आपने एक पेपर में आपने एक्सपीरियंस किया है वो जो है आपको सीबीएसई में तीन पेपर में लिखना होगा। तो आंसर शीट होता है, इसमें डिफ्रेंसिएशन का क्या बात है आप मुझसे पूछ सकते हैं? नहीं, मैं उन एरियाज को बात करना चाहूंगा जो एरियाज आंसर शीट वाकई मायना रखता है। जैसे कि लेटर राइटिंग लिखते हैं, कोई कोई बच्चे गलत कर बैठते हैं कि उनकी शुरुआत जो है मान के चलिए वो सीबीएसई के इज हॉरिजॉन्टल वाले पेपर में लिखते हैं, तो यहाँ पे उनके आंसर खत्म हुआ, उन्होंने सोच रखे हैं कि अब मुझे लेटर राइटिंग शुरू करना है। वो इस तीन लाइन से प्रारंभ कर करीब करीब चार पेज में वो चले जाते हैं, एक दो और तीन चार पेज में चले जाते हैं, तो इवैल्यूएटर को ढूंढना मुश्किल होता है कि शुरुआत कहाँ हुआ और अंत कहाँ पे हुआ। तो इस तरह अड़चने से बाधाओं से आप दूर रहने के लिए प्लीज अपने आप को लेटर राइटिंग में बड़ा अपने आप को सतर्क बरके, क्योंकि उसमें 5 मार्क्स है। नेक्स्ट एरिया मैंने देखा एडवर्टाइजमेंट एरिया, जैसे 12th में नोटिस है, अब 10th में चले जाओ एडवर्टाइजमेंट सिचुएशन वेकेंट वांटेड टू लेट जो भी है, ये सब क्या होता है फ्रेम बेस्ड जो है आपका जो है एडवर्टाइजमेंट एरिया होता है। जब जब हम क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स जो नेशनल डेलीज में देखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें देखते हैं कि सब एक ही पेज में सिमटा हुआ है, मगर हम कभी कभार बच्चे हमारे बच्चे हम जो एक्सपीरियंस उनसे पाए हैं वो क्या करते हैं, मान के चलिए नोटिस शुरुआत करते हैं पेज के ये आखिरी तीन लाइन से, इस कॉलम को ऐसा बनाया और चल दिए दूसरे कॉलम को ऐसा उन्होंने एंड किया। क्या आपने कहीं भी ऐसा देखा है कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो पेपर में दो भाग में जाता हो? तो ये गलती बिल्कुल ही नहीं करना है। और आखिरी मेरे तरफ से मैं कहूँगा जिनके लिए पोस्टर लिखने का अपॉर्चुनिटी है, प्लीज़ अपने हाथ में आपको स्केल होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए और क्रेयॉन्स होना चाहिए। क्यों? ये तीनों चीज़ जो है बहुत अहम है। जब भी आप एडवर्टाइजमेंट हो, पोस्टर हो, नोटिस हो, जो भी कॉलम यानी कि फ्रेम बेस्ड जो चीज़ आता है आपको, प्लीज़ आप स्केल से उसको माउंट बनाना पड़ेगा, फ्रेम बनाना पड़ेगा, ताकि आपको दिखाना है कि ये एडवर्टाइजमेंट है। और मैं क्यों क्रेयॉन्स यानी वैक्स पेंसिल मैं क्या क्यों कह रहा हूँ, बाकी आप लोगे तुलनात्मक में आप स्केच पेन लोगे वो इंजेक्ट होगा, ब्लॉट होगा, पेपर में पीछे लिखने में ऑड लगेगा, मगर जहाँ तक वैक्स और क्रेयॉन के सवाल है, जब आप पोस्टर बनाओगे बड़ा अट्रैक्टिव रहेगा और पेपर डैमेज भी नहीं होगा। तो इन सब बातों पे आप जरा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जाते जाते मैं आपसे एक विनती करूंगा, आपके स्वास्थ्य के ऊपर प्लीज एग्जाम के दौरान बड़ा ही आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि रेगुलर इंटरवल में आप पानी पीजिएगा, हो सके तो आपको वेजिटेबल फूड्स और फ्रूट्स वगैरह ले लीजिएगा, और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात है स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश कीजिएगा। आशा करता हूँ आपके उज्जवल भविष्य हो और उसमें मेरी शुभकामनाएं और साधुवाद।